अमृत वेला उसनु बड़ा वड्याया अमृत वेला सच नो वड्याई विचार करनी आवे कपड़ा नदरी मोख दुआ। अमृत वेले नु बहुता वड्याया चौथे पैर सुबह के सुरतियां उपजै चाओ तिना दरियावां सियों दोस्ती मनमुख सच्चा न। अमृत वेले दी बड़ी सिफत कीती है अठां पैरां विचों ओ पैर जिहड़ा अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त उहनू सब मत मतांतरां वालियां ने वड्याया है भजन बंदगी दे वास्ते खासकर अच्छा समय है। स्वयं उस वेले पर अरस प्रधान ने एक दफा का जिक्र जदों कलयुग गुरु बाबा जी नूं मिलदा है वार्तालाप हुई उसके पास एक जुलड़ देखिया मरदाने ने जिस दे विच बहुत सारिया गलियां। पुछण लगा मरदाना कलयुग ऐ की चीज तेरे पास ऐ जुलड़ कहा है? वो कहिंदा ऐ आलस दा जुलड़ है। इहदा की मतलब? ऐ जुलड़ मैं अमृत वेले जिहड़ा अठां पैरां विचों श्रेष्ठ पहर है ब्रह्म मुहूर्त उस मौके सब दुनिया के उपर सिट देना है ताकि कोई उठ ना सके उठ के परमेश्वर का भजन ना कर सके। इस वास्ते मैं ये सब लोगों ते आलस पा देना। देखो वेला साध सिंह ज्यादा आलसता होया करता है होर वक्तों नालों उस वेले आलस ज्यादा प्रधान होंदी है। इस करके मैं उस वेले ये जुलड़ सब लोगों ते सिट देना। फिर पुछण लगा मरदाना ये मूरियां किन्हां ने कर दित्तियां गलियां किन्हें करतियां? कल जो कहण गलियां उन्होंने कर दित्तियां जिहड़े उस वेले उठ के इशनान आदि करके प्रभु दे ध्यान विच जुड़दे हन उन्हां ते मेरा बल नहीं पैंदा ये गलियां उन्होंने कर दित्तियां। सास उस वेले उठ के जिहड़े इशनान आदि करके प्रभु दे ध्यान विच जुड़दे हन उन्हां दी वड्डी बहुत सिफत कीती। हर उम्र वेले वत्ते का बीजिया भगत खाए खर्च रहे निकुट्टे नाही इउं दस्सिआ है। तो एक दफा का जिक्र एक कोई रोज का नितनेमी रोज इशनान करके परमेश्वर का भजन करया करदा सी। इतने सालों का नियम उसका इसी तरह चला रहा सी। सर्दी का मौसम आ गया कई दिन की झड़ी लग गई। झड़ी दे लगन करके जदों वेला होया उठण दा जागदा खुद बहुत आ ही जाया करती है। उस वेले अंदरों दो मन हैं एक चंगा है एक माड़ा। चंगा मन चंगे पासे प्रेरदा है माड़ा मन माड़े पासे प्रेरदा दोनों का झगड़ा हो रहा है अंदर। सो उस मौके अंदरों जेड़ा माड़ा मन से कहन लगा मीह पैंदा बाहर कितनी सर्दी है सर्दी का मौसम है थोड़ा जा मीह तो हट लैन देना चाहिए फिर इशनान कराएं क्योंकि बाहर इशनान करना है। ये गल उस मन ने कही दूजे चंगे मन ने मन ले भी चलो बारिश हट जान देनी चाहिए है। तो चुप करके पै गया। उस वेले नींद जो आती है काफ़ी समय गुजर जाता दिन चढ़ गया। बड़ा चित्त नूं खेद होया अमली पुरश नूं अमल ना मिले किन्ना दुख हुंदा है रोज़ दे नियम करन वाले ते किसी कारण ते नियम ना होवे उहदे मन नूं कितना कष्ट हुंदा है लाजमी चीज़ है। इस करके बड़ा दुख है भी अज मन ने बड़ा धोखा किया। अच्छा कल से उस वक्त लंघ ही गया दूजा दिन फिर आया झड़ी लगातार मुतवातर सियाल दी झड़ी कई दिन लगी चली जा रही। फिर वेले सिर जाग आई अंदरों आवाज आई भी बारिश हट जानी चाहिए है बारिश पै रही है बारिश हट जाए फिर स्नान करते हैं। दूजा एक मन जिहड़ा चंगा सी वह भी हामी भर गया कहेंगे अच्छा ठीक है बारिश हट जाए फिर उठते हैं। थोड़ा जा फिर सुस्ती की फिर दिन चढ़ गया सारा समा गुजर गया फिर बड़ा दुख होया। इसी तरह दो दिन लंघा दिते झड़ी मुतवातर चली जा रही है बारिश नहीं बंद हुई। इसी तरह तीजा दिन आया जदों उस वेले जाग आई तो अंदरों मन ने फिर कहा मीह पैंदा है बंद हो जाण दे फिर उठ के स्नान करांगे। दो दिन तो इसने खराब कर दिते सन। सो उस मन ते गुस्सा आया झट ही उठ के सने बस्तर जिहड़ा उपर ले आया सी बाहर छप्पड़ सी ठंडे पानी दा मीह पैंदे उहदे विच जाके पै जांदे दिन चढ़े थाई उसनू पाले मारिया। फिर नाले ये कहिंदे रहे अगे नूं फिर तां नहीं कहेगा भई सुस्ती करिए। तो इउं जिहड़े इहो जिहे हठीए पुरशन कलयुग कहिंदा उहो जिहे लोगां ने
ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੁਲੜ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗਲੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਮਾਮ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਲਸ ਦੇ ਜੁਲੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਵਿਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੰਯਮ ਸਾਸੂ ਉਹ ਵੇਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ